प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह जुड़ी हैं, क्या विषय है और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? हाय, मेरा नाम गुरलीन चोपड़ा है और मैं अभी इस मूवी का जो सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है मुहूर्त है, उनको मिलने आई हूँ AVM स्टूडियो में. मिस्टर चांद मेहता जी हैं और जो प्रोड्यूसर हैं अनिल तनेजा जी, और उनको मुझे स्टोरी का नरेशन देना था. तो उन्होंने सेड कि गुरलीन तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाओ, तो हम आपको एक बार स्टोरी सुना देते हैं, अगर आपको रोल अच्छा लगता है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. तो मैंने स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे स्टोरी, कि एक बॉक्सिंग के ऊपर है और इट्स अ मेन लीड, बहुत मेजर किरदार है मूवी में. सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है. तो गोल्डन इज योर डेब्यू मूवी और पहले? नो, इससे पहले मेरी अभी मूवी आई थी गेम ओवर. अच्छा. जी, और मैंने इससे पहले पंजाबी मूवीज़ में और साउथ इंडियन मूवीज़ में काम किया हुआ है, एंड और भी हिंदी मूवीज़ मेरी बहुत जल्दी आ रही है. तो साउथ काफ़ी एक्सप्लोर किया है फिल्म्स को, तो क्या कहना चाहेंगे पंजाबी मूवीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यू नो अभी सक्सेस मिल रही है पंजाबी मूवीज़ को, तो वो इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री है, तो इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को देखती हैं? आई थिंक मैंने अभी तक 25-30 मूवीज़ में काम कर लिया है, इंक्लूडिंग ऑल दी लैंग्वेजेस. मेरी अभी मराठी मूवी आई थी शिनमा, जिसका एक सॉन्ग बहुत बड़ा हिट हुआ था, पोपट पिसाटला. तो जितने भी मराठी ऑडियंस होगी उन्होंने ज़रूर देखा होगा. तो हर लैंग्वेज में जब आप काम करते हो, आई थिंक आई हैव वर्क इन 7-8 लैंग्वेजेस, और बहुत अच्छा लगता है आपको, नए नए एक्सपीरियंस, नया नया सीखने को मिलता है. हर डायरेक्टर की डिफरेंट टेक्निक होती है और हर इंडस्ट्री से बहुत सीखने को मिलता है. और बीइंग अ पंजाबी, जब आप इतनी भाषाओं में काम कर लेते हो और फिर मेन टारगेट आपका हिंदी होता है और हिंदी में आपको अच्छे रोल्स ऑफर होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है आपको. तो टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट ब्रेक, वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए और किस तरह से फर्स्ट ब्रेक मिला आपको? मेरे लिए तो आई थिंक सारे रोल अभी तक चैलेंजेस ही मुझे एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, और मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी अभी बहुत जल्दी इरोज एंड वाईकॉम के साथ भी मूवीज़ आ रही हैं, और अभी मेरी एक मूवी कम्प्लीट हुई है दे इजाज़त, एंड आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज़ हो जाएगी. मैं चंडीगढ़ से हूँ. आई वॉज मिस चंडीगढ़, मिस पंजाब, मिस नॉर्थ इंडिया, फिर धीरे धीरे स्टडी कंप्लीट की और फिर हिंदी मूवीज, साउथ इंडियन एंड पंजाबी मूवीज, एंड नाउ आई एम हियर. एंड व्हाट इज द विजन फॉर द फ्यूचर, किस तरह से देखती हैं आप अपने फ्यूचर को कैसे? मैं एक अच्छी अदाकारा बनना चाहती हूँ, अच्छे मेकर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, और अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे स्टोरी लाइन, वुमन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच.